नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल पर जिसका नाम है डिजाइन डेकोर एंड दिशा। मेरे इंग्लिश चैनल को देखने के लिए और इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो इस चैनल पर मॉनसून स्पेशल सीरीज चल रही है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप रेजीन पोस्टर बना सकते हैं और ये बहुत काम आते हैं मॉनसून में स्पेशली, क्योंकि आप दिन भर चाय या कॉफ़ी पीते हैं और वो चाय कॉफ़ी के मग आप कहीं भी जहाँ रखते हैं वहाँ स्पॉट्स और स्टेन्स हमेशा रह जाते हैं। तो इसलिए चलिए पोस्टर्स बनाते हैं और ये पोस्टर्स कलरफुल हैं तो ये आपके मॉनसून डेकोर में कुछ कलर्स भी ऐड कर देंगे। तो मैंने पहले प्रोजेक्ट के लिए मैं रेजीन और हार्डनर ले रही हूँ। ये रेजीन है और ये हार्डनर। सारे इंस्ट्रक्शंस बॉटल पर ही लिखे हुए हैं और इसमें लिखा है कि एक पार्ट हार्डनर को दो पार्ट रेजीन में मिलाना होता है। इसे मैं ये प्लास्टिक कप में मिला रही हूँ। आप डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स यूज़ कर सकते हैं और मिक्स करने के लिए मैं ये आइसक्रीम स्टिक यूज़ करूँगी। कोई भी आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। और ये मेजरिंग कप से मैं इसकी क्वांटिटी मेजर करूँगी। वैसे तो सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किए जाते हैं पर मेरे पास पहले से ही ये प्लास्टिक का कोस्टर रखा हुआ है जिसे मैं मोल्ड की तरह यूज़ करूँगी। आप चाहें तो प्लास्टिक लिड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक लिड भी मैं यूज़ करने वाली हूँ मोल्ड की तरह। ये मैंने कुछ छोटे साइज़ के फूल और पत्ते अपने बालकनी गार्डन से और रोड साइड से इकट्ठे किए हैं। इन्हें मैं अपने पहले कोस्टर में यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने पर कभी कभी ढेर सारे बबल्स आ जाते हैं सॉल्यूशन में, तो उसके लिए आप इसे एक गर्म पानी से भरे हुए छोटे कंटेनर में इस कप को रख सकते हैं। बबल्स थोड़ी देर में ही सारे पॉप हो जाएंगे, सारे बबल्स में से ख़त्म हो जाएंगे और अब सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर है। इसे मैं पोर करूँगी कोस्टर पर। ये फर्स्ट लेयर है। अब सारे जितने भी मैंने फ्लावर्स और लीव्स इकट्ठे किए थे अब इन्हें मैं इस पर रख दूंगी। एक या दो घंटे के लिए आप इसे सेट करने के लिए रखें। एक दो घंटे में तो ये क्योर नहीं होता है, लेकिन ये कुछ हद तक थोड़ा सा उसमें फ्लावर्स और लीव्स जो हैं वो स्टिक हो जाएंगे। अभी ये हमने सेकेंड और टॉप लेयर जो है वो रेजिन की इसमें पोर कर दी है। इसके बाद हम इसे अनडिस्टर्ब बिल्कुल रख देंगे 24 घंटों के लिए, जिससे कि ये क्योर हो जाए, ये हार्ड हो जाए। अपने सेकंड कोस्टर के लिए मैं ये कलरफुल क्राफ्ट पेपर्स यूज़ करने वाली हूँ और इन्हें मैं इस पेपर पंच से पंच करके ढेर सारी कन्फेटीज बनाऊँगी और इन कलरफुल कन्फेटीज को मैं अपने सेकेंड कोस्टर में यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक लिड पर मिक्स किया हुआ रेजिन और हार्डनर पोर किया है और इसके ऊपर मैंने कन्फेटी डाल दी हैं। जब ये थोड़ी सेट हो जाएंगी इनके ऊपर मैं सेकेंड लेयर पोर कर दूंगी और इसे भी हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। अब तीसरे कोस्टर के लिए मैं ये अल्कोहल इंक यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए हम प्लास्टिक लिड में या सिलिकॉन मोल्ड में रेजिन को पोर करेंगे और इस बार हम पूरा एक साथ पोर करेंगे और इसके बाद मैं इसमें इंक्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें डालूंगी। अब इसे एक छोटी सी स्टिक की हेल्प से मैं इसमें पैटर्न क्रिएट करूंगी। अब इसे भी बाकी के दो पोस्टर्स के साथ 24 घंटे के लिए मैं क्योर होने के लिए रख दूंगी। अगर आपको बबल्स फिर भी दिखाई देते हैं तो आप हीट गन या हेयर ड्रायर आप यूज़ कर सकते हैं और ये गर्म हवा से जो हैं बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इन्हें ढक देना ठीक होता है जिससे कि इसमें डस्ट पार्टिकल या कचरा जो है वो हवा के साथ उड़कर मिक्स ना हो जाए। अब 24 आवर्स होने के बाद मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। ये अभी भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और बेंड हो रहा है, इसका मतलब है ये पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ क्योंकि एयर में मॉइस्चर है काफ़ी मॉनसून की वजह से। और एक और दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि इसका जो भी पिक्चर और टेक्स्ट इस पर इसके कोस्टर के बैक पर आ गया है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे सैंड पेपर से सैंड करूँगी और उसके बाद इसकी पॉलिशिंग करूँगी। अब मैं दूसरा कोस्टर रिमूव करूँगी। इस ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसकी भी जो साइड नीचे थी बॉटम साइड, वो मैट फिनिश है उसकी, और जो टॉप है वो ग्लॉसी है, तो इसकी भी मैट सरफेस को मुझे सैंड करना पड़ेगा। अब तीसरा कोस्टर निकालते हैं, और ये सबसे सुंदर, ये मेरा फेवरेट कोस्टर है। इसके कलर्स और पैटर्न मुझे बहुत अच्छे लगे, इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है, और ये क्योर भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो ये है तीनों कोस्टर्स। इतना ही, मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वॉच इधर दिस वीडियो और दिस। विश यू ऑल लव लक एंड सनशाइन। बाय बाय।